कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रॉबिन हूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर है क्या, पहले हमें यह समझना होगा। डिजी लॉकर एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड या इशू कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिजी लॉकर को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले, डिजी लॉकर ने आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। वो कैसे, वो 2020 की स्टार्टिंग में और 2019 के एंड में जिन बच्चों ने 10वीं और प्लस 2 के पेपर दिए उनका कोविड की वजह से सर्टिफिकेट नहीं आया बोर्ड से, जिसकी वजह से वो आगे अप्लाई नहीं कर पाए थे किसी चीज़ के लिए। इस सिनेरियो के अंदर स्कूल ने और बच्चों ने दोनों ने ही डिजी लॉकर के थ्रू अपने सर्टिफिकेट इशू करवाए, जो कि बोर्ड से इशू हुए सर्टिफिकेट के इक्वल है। इसी तरह हम लोग भी डिजी लॉकर से अपने सर्टिफिकेट्स इशू या डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये अब कैसे होगा, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, डिजी लॉकर पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। वो अकाउंट कैसे बनेगा, उसके लिए हमें अपने मोबाइल के क्रोम में जाना होगा, कंप्यूटर क्रोम में जाना होगा। मैं अपने सारे काम मोबाइल से करता हूँ, तो मैं अपने मोबाइल के क्रोम में जा रहा हूँ, तो चलिए वहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमने जाना है क्रोम के अंदर, यहाँ हमने सर्च करना है, पहले मैंने गूगल पे हमने सर्च करना है डिजी लॉकर, फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। फिर हमने सबसे पहले साइन अप करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर आप डालोगे अपना नाम आधार के अकॉर्डिंग, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपने एक सिक्योरिटी पिन जनरेट करना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है और आपका आधार नंबर, ये दो चीज़ें ऑप्शनल हैं। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगी, आपने OTP सबमिट करनी है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मान लेते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसके बाद आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने जो मोबाइल नंबर डाला था, मोबाइल नंबर डालोगे, आपने एक सिक्योरिटी पिन जो जनरेट किया था वो पिन डालेंगे, फिर आपके पास OTP आएगी उस मोबाइल नंबर पे, आपने OTP यहाँ पे सबमिट करनी है। अब मान लेते हैं कि हमने कि 10th का सर्टिफिकेट इशू करना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले एजुकेशन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर आपने अपना बोर्ड सर्च करना है, वी ऑल पे क्लिक करके आप अपना बोर्ड सर्च कर लोगे, ठीक है। मान लो कि दिल्ली से की हुई है, तो दिल्ली क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पे अपने आप कैंडिडेट आईडी डालोगे, कौन से ईयर में आपने पेपर दिए हैं और इंडेक्स नंबर, उसके बाद यहाँ पे टिक कर दोगे और गेट डॉक्यूमेंट, आपकी DMC इशू हो जाएगी PDF फाइल में। इसी तरह आप इससे और डॉक्यूमेंट्स भी इशू कर सकते हैं। आधार कार्ड, DL, RC, मार्कशीट, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से इशू कर सकते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे, वो आएंगे आपके इशू डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ PDF पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप उसको शेयर भी कर सकते हो और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, आपको फ्यूचर्स में और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।